कार निर्माता कंपनी सिट्रॉन भारतीय बाजार में अपनी पहली कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार सिट्रॉन कंपनी अपनी C5 एयरक्रॉस SUV को पहली कार के तौर पर भारत में पेश कर सकती है। सिट्रॉन C5 को कुछ समय पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, लेकिन अब सिट्रॉन की एक और कार सिट्रॉन C3 स्पोर्टी सब 4 मीटर क्रॉसओवर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस कार का कोड नेम C21 रखा है और इस कार को पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टीम के द्वारा जारी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सिट्रॉन C3 स्पोर्टी को पूरी तरह से एक ढके हुए कवर में टेस्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये मॉडल अर्ली डेवलपमेंट प्रोटोटाइप में है। बता दें कि सिट्रॉन की बाकी सभी कारों की तरह ही C3 स्पोर्टी को भी क्वारी एक्सटीरियर दिया जाएगा, जो कि इस कार को बेहद ही शानदार लुक प्रदान करवाने में मदद करेगा। जानकारी के अनुसार कंपनी मेन वॉल्यूम कार को स्थानीय स्तर पर बनाएगी, जो कि सिट्रॉन C3 स्पोर्टी होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 सालों में भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और ये गाड़ी भी उसी सेगमेंट में कम कीमत के साथ 4 से 5 लाख रुपए की कीमत में लॉन्च होने वाली है। इस कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद इसके इलेक्ट्रिक वर्जन जैसा ही रखा जा सकता है। सिट्रॉन की इस इलेक्ट्रिक कार में आपको ट्रिपल टोन थीम दिया गया है। इसके अलावा हेडलैम्प को नीचे बम्पर पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको ब्लैक रूफ रेल, ब्लैक AB और C पिलर, रैकेट विंडशील्ड, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और अग्रेसिव कट्स और क्रीज दी गई है। बता दें कि सिट्रॉन C3 स्पोर्टी सिट्रॉन के C-Cube प्रोग्राम के तहत बनाई जाएगी, जो कंपनी इस प्रोग्राम के तहत भारत में 2020 के अंत में या 2021 के नए साल की शुरुआत में इस SUV को लॉन्च कर देगी। इसके इंजन की बात करें तो न्यू सिट्रॉन C3 सब कॉम्पैक्ट SUV में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजन 114 BHP की पावर प्रदान करता है। माना जा रहा है कि इस कार में आपको 6-स्पीड मैनुअल और AMT यानी कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, आपको ये सिट्रॉन की नई सब कॉम्पैक्ट SUV C3 कैसी लगी? क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे 4 से 5 लाख रुपए की कीमत में? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको SUV पसंद आए तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हम 700 लाइक का। जल्दी से 700 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। अगर आपको ये नई SUV पसंद आई और आप इसको खरीदना चाहते हैं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।